दोस्तों, मेरा नाम है कर्ण अवरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग इज डिफेंस। बहुत सारी अच्छी और कुछ बुरी खबरें भी आपके लिए लेके आऊँ। सबसे पहले मैं बुरी खबर दे देता हूँ। तो हमारी जो ऐप है ये डिसकंटिन्यू कर रहे हैं हम 1 अक्टूबर से, क्योंकि हम नई ऐप पे जा रहे हैं। तो जिन जिन ने पुरानी ऐप पे हमारे कोर्सेज लिए उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो फटाफट हम उनको दूसरी ऐप में वही सारे कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो जाएंगी और भी वेबिनार्स हो जाएंगे, बहुत सारा चीज़ें आपको फ्री में मिलने वाला है। और जो पुरानी ऐप पे जिन्होंने कोर्स खरीदा है उनके लिए अच्छी खबर यह है कि जब नई ऐप पे जाते हैं दोबारा से, अगर आपने 1 साल का कोर्स खरीदा है 1 साल हम दोबारा से शुरू कर देंगे, तो ये आपका होने वाला फ़ायदा। दूसरा है कि जो कोर्सेज हैं अभी पुरानी ऐप पर, ये 1 अक्टूबर को स्टॉप हो जाएंगे। तो आपके पास 2 दिन हैं इन कोर्स को खरीदने के लिए। अभी RMS का जो कोर्स है क्लास 9th का, वो 9 रुपये का है सीधा। इसमें जब आप अभी ऐप पे जाएंगे नई वाली पे, ये 999 का मिलेगा। तो आपने अभी सोचना है कि मुझे करना है कि नहीं करना है। सिमिलरली सैनिक स्कूल क्लास 6 का जो 999 का कोर्स है, ये वहाँ पर जाके 1499 दिखाई देगा, तो मुझे मत बोलेगा। तो अभी ये समय है आपको ऐप पर इन फ्री कोर्सेज को एक्सेस करने का। आपका जो फ्री कोर्स स्टेटस है वो मेंटेन किया जाएगा। अगली ऐप में कोर्स कितने का भी हो, आपने जो पुरानी ऐप पे जिस रेट का ये कोर्स लिया है उसी रेट पर आपको ये कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बारे में मैं आपको जानकारी फिर से दूंगा जब 1 अक्टूबर 2023 को हम इस ऐप को लॉन्च करने वाले। ये थी आपके लिए जो सो कॉल्ड बुरी या अच्छी खबर, जो भी आप कह सकते हैं। दूसरा है नवी मुंबई। मैं हमारी ब्रांच शुरू हो रही है 1 अक्टूबर को। तो महाराष्ट्र के जो रहने वाले हैं, अभी केवल हम क्लास 6 सैनिक स्कूल और RMS की तैयारी कराएंगे वहाँ पर ऑफलाइन। ऑनलाइन तो आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो मेरी कंपनी आपको लुक आफ्टर कर लेंगी। लेकिन अगर आप बॉम्बे के रहने वाले हैं, नवी मुंबई के रहने वाले हैं, वहाँ के आसपास के क्षेत्रों के हैं, या आपके कोई जानकार व्यक्ति वहाँ रहते हैं, आप बताइएगा। द विनिंग एज की ब्रांच नवी मुंबई में रुद्रा डिफेंस एकेडमी, जो कि हमारा ही सब्सिडरी है, उसके रूप में वहाँ खुल रही है। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। ये तो कर ही सकते हैं आप इन्फॉर्मेशन शेयर करने का, थोड़ा तो आप भी हमारे लिए कुछ भला कर दो। और आपने इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करना है 7416566633। इस पे केवल रुद्रा, शिव का नाम है रुद्र, केवल रुद्र लिख के मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, ऑटोमेटिकली हम आपको रुद्रा डिफेंस एकेडमी का सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये हो गई दूसरी अच्छी खबर। आपको अभी महाराष्ट्र से यहाँ ट्रैवल करने की आवश्यकता नहीं है। रुद्रा डिफेंस एकेडमी का हॉस्टल है, बहुत बढ़िया डिजिटल क्लासरूम है, और सारा जो कंटेंट है, टीचर्स का ट्रेनिंग है, सारे जो टेस्ट पेपर है, सारी जो गाइडेंस है, वो कर्नल अमरदीप द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो आप हमारे ही जो काउंटर पार्ट है, हमारी फोटोकॉपी से मिलेंगे रुद्रा डिफेंस एकेडमी के अंदर। तो ये थी दूसरी जो अच्छी खबर है। अब करते हैं काम की बात, क्योंकि आप आए गए हैं वीडियो देखने के लिए। RMS के फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसमें जो अभी अभी जो क्वेरीज मिली हैं, सबसे पहले मैंने अपने वीडियोज़ में बताया था कि RMS में करेक्शन विंडो होगा, लेकिन जब मेरी अभी मिलिट्री स्कूल के अधिकारियों से बात हुई है, जो अपडेट है ये कन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन ही है, ऐसा चांस हो सकता है कि करेक्शन विंडो ना दी जाए। आपने डेटा गलत भर दिया है, आपने अपना रैंक गलत भर दिया है, आप अपनी कैटेगरी गलत भर दिया है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, कोई भी गड़बड़ी है जिससे करके उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि आपके बेटे का नाम रवि है या प्रवीण है और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है या रवि का रवि लिख दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ ही गलत है। आप जनरल कैटेगरी, आपने OBC NCL भर दिया है, आपने SC भर दिया, आपके पास SC का सर्टिफिकेट नहीं है, इस प्रकार की बड़ी बड़ी गड़बड़े अगर हैं तो आपके पास कोई चारा नहीं है, इस फॉर्म को डिलीट करेंगे। डिलीट ऑप्शन आता है जब आप लॉगिन करेंगे, डिलीट करते उनके डेटा बैंक से आपका नाम चला जाएगा, दोबारा से आपने फॉर्म भरना है सही डेटा के साथ। लेकिन इसमें अभी जल्दी ना करिए, यानी कि वीडियो देखा आपने डिलीट करके 600 रुपये का नुकसान कर लिया। मेरे को 1 सप्ताह का और समय दीजिए, जब तक मैं कंफर्म तौर पर नहीं बताता। 18 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है, 10 अक्टूबर तक आप वेट कर सकते हैं, कोई ना कोई आपको करेक्शन विंडो के बारे में जानकारी हम अपडेट कर देंगे जैसे हमें मिलती है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपने, फिर नहीं कहना कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी। मेरे चैनल का जो मुद्दा है, ध्येय है, गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं है। अब एक श्रीमान का मेरे को कॉल आता है कि मेरा बेटा 4th में है, मैं उसको RMS का एग्जाम दिलाना चाहता हूँ।
मैंने कहा जी आप फोर्थ लिखेंगे फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं करेगा वो। वो कह रहे नहीं जी हम तो गलत उसका वो भर देंगे डेटा, और क्योंकि कुछ नहीं मांग रहे, बच्चे का आधार नंबर मांग रहे हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हैं, बच्चे का ये मांग रहे हैं फोटो एंड सिग्नेचर, और तो कोई अभी फॉर्म जमा ही नहीं करना आपने। लेकिन मैंने जब उन्हें याद दिलाया, मैंने कहा बच्चे का आधार नंबर आप भर रहे हैं, ये आधार नंबर उनके सर्वर में हमेशा के लिए जमा हो जाएगा। इस बार आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ या क्लास गलत भर दी, अगले साल फिर इसी आधार नंबर को भरेंगे, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आपके खिलाफ डिसिप्लिन कार्रवाई शुरू होगी। ये काम मत करिए आप। जो भी शेयर सोचते हैं कि मैं बच्चे को ना एग्जाम दिलाने की प्रैक्टिस कर रहा हूं, अरे घर में मॉक टेस्ट सीरीज हमारी चलेगी, हम 15 पेपर कराने वाले अक्टूबर नवंबर के अंदर, वो करवा लीजिए। हमारी ऐप पर अभी मॉक टेस्ट सीरीज आएगी 399 रुपीज में, 10 पेपर कर लीजिए आप, उसको घर में बिठाइए, हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं, पता लग जाएगा बच्चा कितना नंबर लेके आ रहा है। गलत काम नहीं करना है, ये वार्निंग है, चेतावनी है। जितना ये दिमाग से अपने निकाल देंगे उतना आगे जाके आपको लाभ होगा। हम गलत काम करते हैं, इस करके हम नुकसान उठाते हैं। लॉन्ग रन में गलत काम कभी भी आपको फायदा नहीं करेगा, ये सेकेंड पॉइंट है। दो लिस्ट हमने बनाई है, एक है एग्जाम सेंटर की लिस्ट, क्योंकि एग्जाम सेंटर की लिस्ट प्रोस्पेक्टस में नहीं दी हुई है। प्रोस्पेक्टस होता है विवरणिका, जिसमें सारा एग्जाम के बारे में, अभी भी मेरे को व्हाट्सएप आ रहे हैं कि क्या आरएमएस का फॉर्म आ गया, क्या आरएमएस, अरे यार आए हुए इतने दिन हो गए, कम से कम 10-12 दिन हो चुके हैं फॉर्म को आए हुए। तो जो एग्जाम सेंटर्स की जो लिस्ट है वो प्रोस्पेक्टस में नहीं है। इसके लिए मैंने कहा था एक नंबर आप हमेशा व्हाट्सएप लिख लें, इस पर 7417656633, और नीचे स्क्रीन पर आ रहा है उस पर लिखा है, इस पर केवल व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है। 127 कॉल कल ही आई हैं एक दिन में, मैं बता रहा हूँ आप मेरी बातों को कितना मानते हैं, बिल्कुल भी नहीं मान रहे। तो ये जो है एग्जाम सेंटर, आप भेजेंगे इस नंबर पे व्हाट्सएप, एग्जाम सेंटर का एक पीडीएफ आपके पास आ जाएगा कहाँ पर सेंटर है। अब हर जगह पर सेंटर नहीं है, जैसे केरला के एक व्यक्ति का फोन है, उन्होंने कहा भाई मेरे स्टेट में तो कोई सेंटर ही नहीं है, नियरेस्ट है मेरा हैदराबाद या बेंगलोर, तो वहां चल जाओ। तो आपने देखना है कि भाई सेंटर वन जो है सबसे नज़दीक है, सेंटर टू थोड़ा उससे दूर होना चाहिए, लेकिन आपको मैंने बता दें यहाँ पर आप रहते हैं इसके 200 किलोमीटर के दूर में अगर कोई सेंटर पड़ रहा है वो फटाफट 1, 2, 3 सेलेक्ट कर ले। या आपकी बहन वहाँ रहती हैं, या बच्चे की मासी रहती हैं, या कोई भी रहता है जहाँ पर आपका उनके साथ बातचीत है, पक्का वो सेंटर भरें, थोड़े रिश्तेदारी से मिल भी लेंगे इसी बहाने। तो प्लीज़ गो थ्रू द एग्जाम सेंटर लिस्ट बिफोर यू फिल द फॉर्म। कई बारी आपने गलत भर दिया, आप केरला में रह रहे हैं, गलती से जब सेलेक्ट कर रहे थे वो नगरोटा सेलेक्ट हो गया। 3000 किलोमीटर लंबा है हमारा देश, 3 दिन लगे हैं आपको ट्रेन से जाने में। तो थोड़ा डिलीजेंस बरतें, थोड़ा बड़ी पेशेंस रखें। कई पेरेंट्स होता है अभी के अभी फॉर्म भरना है, मैंने कहा फॉर्म के सारे फील्ड नोट कर ले, फॉर्म के सारे भर ले, एक बारी मेरे को फोटो भेज दें कि सर हम ये भरने वाले, ठीक है कि नहीं। अब अगला आता है आरएमएस की लिस्ट, 5 है, इसको किस सीनियोरिटी में भरे, मैंने एक वीडियो बनाया क्या आपने चीज़ें देखनी है, 1, 2, 3, 4, 5 करते हैं, पांचों को चॉइस देना है। उस वीडियो में मैंने बताया आप कोई भी चॉइस भर दें, मान लीजिए आपने बैंगलोर पैरा भर दिया, उसके बाद अजमेर भर दिया, फिर बेलगाम भर दिया, और फिर आपने धौलपुर भर दिया, और फिर आपने चैल भर दिया, लेकिन आपके शेयर लाए ही 99 नंबर है 150 में से, और उनको ये मिल जाएगी फिफ्थ चॉइस, इनमें उसका नाम ही नहीं आएगा मेरिट में। तो आपकी कोई चॉइस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखें। या तो बच्चा बहुत लायक है, हमेशा फर्स्ट चॉइस, मैंने आपको बताया क्या फर्स्ट सेकंड चॉइस देखने की क्या है। अब कई लेडीज़ हैं वो कह रही हैं कि बहुत दूर पड़ता है, ये हमारे घर के नज़दीक पड़ता है, अपने अपने आपके चीज़ें हो सकते हैं, वो आपने डिसाइड करना है। मैंने बताया चैल और धौलपुर है थोड़ा मेन लाइन से हटके हैं, वहाँ पर जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनका अभाव है, ये स्कूल्स बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई का दर्जा बहुत अच्छा है, बच्चा बड़ा फोकस रहेगा। लेकिन बैंगलोर, अजमेर और बेलगाम है, वहाँ पर आसपास जो इंट्रा स्कूल इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होते हैं उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। लेकिन अगर आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं आपको बैंगलोर बेलगाम बहुत दूर पड़ेंगे, आपको चैल धौलपुर एंड अजमेर करेगा, तो पहला अजमेर भर दें, दूसरा धौलपुर भर दें, तीसरा चैल भर दें या दूसरा चैल भर दें, वो चॉइस आपकी है। नॉर्थ ईस्ट से जो आ रहा है, मणिपुर से आ रहा है, कोई सिक्किम से आ रहा है, उसके लिए जितना दूर चैल है उतना ही दूर आपको बैंगलोर बेलगाम भी पड़ रहा है। तो आप लोग इस प्रकार से अपनी चॉइस भर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा जो डाउट है कि मैं ओबीसी हूँ, अभी ओबीसी के बारे में मैं हाथ खड़े कर रहा हूँ कि मुझे क्लैरिटी नहीं है। यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बने ओबीसी एनसीएल के बारे में, ओबीसी हैं और क्रीमी लेयर में आते हैं वो आप जनरल कैंडिडेट भरते हैं, ये ध्यान रखना है। एससी और एसटी जो हैं
इसके लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है, ये नहीं कि वो हम हैं लेकिन आपका प्रमाण पत्र नहीं है, आप जनरल कैंडिडेट पर हो। एससी एसटी की फीस जो है 25% है हर कैटेगरी के अंदर, सिवाय आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऑफिसर्स को छोड़ के। यदि आप अधिकारी हैं तो भाई आपको ये कैटेगरी मान्य नहीं है, लेकिन बाकी आप सिविलियन हैं, बाकी जे सी ओज हैं, एन सी ओज हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है उसका केवल 25% फीस देना पड़ता है, यानी कि 51,000 फीस है सिविलियंस की, जनरल उस वाले की। तो यदि आप सिविलियन एससी हैं तो उसका 12,500-13,000 रुपये साल की फीस आती है, ये ध्यान रखना है इस कैटेगरी का क्या फ़ायदा है। और दूसरा है कि आपका जो सिलेक्शन है अपनी कैटेगरी के आपके अंदर उसके अंदर सिलेक्शन हो रहा है, तो ये कैटेगरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी है। ओबीसी एनसीएल का इतना खतरनाक उसके रूल्स हैं कि भाई मैं फौजी व्यक्ति हूँ, मेरे को समझ नहीं आया कि उसको कैसे बताऊँ। जब मैंने सुना कि मैं कर्नल हूँ लेकिन मेरे माता पिता अगर किसान होते तो मैं ओबीसी, अगर वो ओबीसी हैं तो मैं ओबीसी एनसीएल के लिए कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें माता पिता की आय देखी जाती है, मेरी आय देखी नहीं, उसमें सैलरी काउंटेड ही नहीं है, ये हमें नहीं पता था। मैं तो बिल्कुल सीधे बता रहा हूँ, ओबीसी एनसीएल के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट में ऑफिस में जाएं, कोई वकील साहब से मिले, उनसे पूछें भाई एनसीएल का जरा पूरा कहानी मुझे बताओ। यदि आप एनसीएल में आते हैं तो फ़ायदा बहुत है, आपने इस सुविधा का लाभ उठाना है, लेकिन गलती कर दी है फॉर्म भरने में, ओबीसी एनसीएल भर दिया है और बाद में आपका बच्चा सेलेक्ट हो गया, आपका ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं है, आपके बच्चे का कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो ये अभी है आपके पास 15-17 दिन सोचने के लिए, ये सोच समझ के आपने कार्रवाई करना है। अब आता है जी करेक्शन विंडो नहीं आएगी, तो मैंने कहा करेक्शन विंडो अगर नहीं आती है 10 अक्टूबर तक प्लीज़ प्रतीक्षा करें, हम बता देंगे, कोई ना कोई बता देगा कि करेक्शन विंडो नहीं आने वाली है। उसके बाद अपने फॉर्म को डिलीट करना है, 600 रुपये आपने भारत की प्रगति में दान कर दिए, बस ये मान के दोबारा 600 रुपये देके फॉर्म भर दो। ये मैं तो फौजी व्यक्ति हूँ, मेरे को तो भाई सीधे सीधे डिसीजन लेने आते हैं, 600 रुपये बचाने के चक्कर में बच्चे की कोचिंग पे 25,000 रुपये आपने लगाए हैं, वो भी वेस्ट हो जाएंगे। तो ये चॉइस करना और ये सिलेक्शन करना आपकी जिम्मेदारी है। अब महान जो आप लोगों का प्रश्न है कि सर सैनिक स्कूल के फॉर्म कब आएंगे, मेरे से पूछ रहे हैं, तो मैंने हर एक में बताया www तो आप लगा ही लो, उसके बाद AISSEE, उसके बाद NTA, उसके बाद NIC और फिर .in। अब आप कहोगे हमें नोट करना कैसे, आपकी स्क्रीन पे पता नहीं क्या गंदी हैंडराइटिंग में आपने लिखा, तो ये जो लिंक है, ये जो वेबसाइट है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालिए, वहां क्लिक करें, अदरवाइज AISSEE करेंगे। ये है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम .NTA, क्योंकि ये लोग एग्जाम कंडक्ट करते हैं, .NIC, जो भारत सरकार का कंप्यूटर केंद्र है वो NIC है, और .in तो इंडिया या भारत है ये। तो यहां पर आपने सुबह और शाम तसल्ली से चेक करना है और हाय तौबा ना मचाएं, क्योंकि मान लीजिए फॉर्म अभी तो सितंबर में आने के बजाय अक्टूबर में आ गया, मान लो फर्स्ट या सेकंड अक्टूबर का, लास्ट ईयर भी अक्टूबर में आता, उसका कारण यह कि इसका एग्जाम जनवरी में होने वाला है और आपको 30 दिन का समय मिलेगा। क्यों चिंता कर रहे हैं आप, क्लियर हो गया। आखिरी पॉइंट है, क्या बच्चियां क्लास 9th में अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं अभी लिख देता हूं यहां पर, हमारे पास है RMS कितने हो गए जी 5, सैनिक स्कूल हो गया जी 33, न्यू सैनिक स्कूल जो हो गए हैं वो 42 हो गया, अभी इसके बारे में अलग वीडियो बनाने वाला हूं, और हमारे पास है यूपी सैनिक स्कूल, अब ये हो गया 2, एक हो गया लखनऊ और दूसरा हो गया गोरखपुर। यहां पर इन तीनों में बच्चियां केवल क्लास 6 में अप्लाई कर सकती हैं, और न्यू सैनिक स्कूल में तो लड़के प्लस लड़कियां क्लास 6 में ही जा सकते हैं। यहां पर RMS एंड सैनिक स्कूल में लड़के 6 और 9 दोनों में जा सकते हैं, गर्ल्स केवल 6 में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं कि अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब जो सैनिक स्कूल लखनऊ है, यहां पर लड़के 6 प्लस 9 है लेकिन गर्ल्स केवल 9 है, 9th में अप्लाई कर सकती हैं, ये केवल यूपी के मूल निवासियों के लिए है। लेकिन जो गोरखपुर शाखा है इसमें लड़के भी 6 प्लस 9 है, लड़कियां भी 6 और 9 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा मैट्रिक्स मैंने बना दिया। इसके बाद भी कई लोग हैं, सर हम तो RIMC में 9th में भेजना चाहते हैं बच्चे को, तो आप गलत सोच रहे हैं। RIMC में लड़के और लड़कियां केवल 8th क्लास में लिए जाते हैं। यदि आपका बच्चा अभी 6 में है, अभी भी 15 अक्टूबर लास्ट डेट है RIMC का फॉर्म भरने की, बच्चा 6 में होगा लेकिन क्योंकि ये जो अगला वाला टर्म है 1 जुलाई को शुरू होगा, तब बच्चा 7th में आ चुका होगा, वो दिसंबर का एग्जाम दे सकता है। अगर लेट हो गया, तैयारी नहीं है, अब उसको एग्जाम में बैठने दीजिए,
एक बार ट्रायल हो जाएगा, जून वाला एग्जाम में क्लियर होगा, तब भी एक साल का बेनिफिट आपके बच्चे को मिल रहा है। तो ये चीजें आपने समझनी है, ये पूरा मैट्रिक्स आपको मुझे नहीं लगता कोई समझाएगा इतनी क्लैरिटी के साथ, तो मैंने बता दी। अभी भी आपको शक है, सवाल है, मैंने आपको एक महान सूत्र बताया हुआ है 74176566633। एक और घुंडी जो छूट गई है जो मैंने कवर नहीं करी है वो है मिलिट्री हॉस्पिटल की लिस्ट। एक बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है, उसके पिताजी जम्मू से हमसे कनेक्टेड थे, उन्होंने कहा है कि भाई मेरे को एमएच नियरेस्ट कौन सा पड़ेगा। अब आप अगर मिलिट्री हॉस्पिटल की लिस्ट मिलिट्री स्कूल के प्रॉस्पेक्टस में दिया है कौन कौन से हॉस्पिटल हैं, लेकिन वहां लिखा हुआ है जी 166 एमएच, ये जम्मू में है, ये लड़ाई वाले एमएच है, इस करके इनका नाम नहीं होता, इनका नंबर होता है। लेकिन तब मैंने कहा कि एक सिविलियन व्यक्ति है, उनको 166 क्या है, 150 जीएच क्या है, इनकी फुल फॉर्म नहीं पता। हमने इसका भी पूरा इंटरनेट से ही निकाला, हम तो अदरवाइज इंटरनेट पे कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होगी, हम नहीं देंगे आपको, सीक्रेट है वो। लेकिन वो बंदा कहीं तो जाएगा नहीं, 166 एमएच भर दिया, वो कहाँ है बताना तो पड़ेगा, वो बता दिया हमने उसमें। आपने क्या करना है, हॉस्पिटल करके इसी नंबर पे वो कर देना है, व्हाट्सएप में खाली हॉस्पिटल लिखें, जय हिंद सर हॉस्पिटल तो हमारा ऑटो रिस्पॉन्डर पढ़ता नहीं है, खाली हॉस्पिटल लिखेंगे वो सारे अक्षर पढ़ लेगा, अपने आप से आपको गूगल ड्राइव का लिंक आ जाएगा, उसमें जाएं पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। लेकिन जय हिंद सर, थैंक यू सर लिख के हॉस्पिटल लिखेंगे वो नहीं आएगा। जब मैं बोलता हूँ हॉस्पिटल लिखें तो हॉस्पिटल, एग्जाम सेंटर लिस्ट के लिए केवल एग्जाम सेंटर लिख दें बस, या एग्जाम भी लिख देंगे वो लिस्ट आ जाएगी अपने आप। ऐसे रुद्रा डिफेंस एकेडमी जो मैंने बताया, केवल आपने रुद्रा लिखना है, उसका लोकेशन वोकेशन एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर सब आ जाएगा आपके पास। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ये वीडियो जो मैं बनाता हूं आप अंत तक देखें। बहुत सारे आपके सवाल हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके मन में क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं, आप थोड़ा पेशेंस रखें। जितने लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया है, दिल पे हाथ रख के बताएं मैंने उसका जवाब दिया है कि नहीं दिया है। रात को 2:15 बजे तक मैं यही काम कर रहा था कल, क्योंकि आपके जो कंसर्न है बड़ी सिंपल कंसर्न हो सकती है, हमें भी पेशेंस आती है। कई लोग रिपीटेडली सेम क्वेश्चन पूछते रहते हैं, लेकिन अब मेरे को गुस्सा नहीं आता, मेरे को चिढ़नी मचती है। मुझे लगता है कि पेरेंट्स की जो जानकारी प्राप्त है अगर हम नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। तो ये मैं आपके लिए जो मेरा कर्तव्य है उसका निर्वाह कर रहा हूँ, आपने मेरे प्रति जो आपका कर्तव्य है कि व्हाट्सएप करना है कॉल नहीं करना है, वो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो आपने उसका ध्यान रखना है। तो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो, आप हमसे संपर्क में रहें। हमारा जो बैच है जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल क्लास 6 का है, 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। RAMC का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है 1 अक्टूबर से, इसके बाद मॉक टेस्ट सीरीज है, और हमारी जो नई ऐप बन रही है इस पे आपको सभी उसके प्रश्न पत्र, पूर्व प्रश्न पत्र, सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन सबके साथ 1 अक्टूबर से अवेलेबल हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है आपने, यहाँ पर मेरे को मैसेज भेज देना है, हमने आपका डेटा कर देना है, जैसे ही आएगा वो 99 से लेकर 399 से लेकर 499 इसी के बीच में प्राइस होंगे, और बहुत अच्छे तरीके से आपका बच्चा आपकी तैयारी कर सकते हैं। तो हमें अपना काम करने में समय लगता है, इसलिए हम कॉल्स नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो आपने उस बात को समझना है। मेरा जो कंपनी है देहरादून में लोकेटेड है, हमारे ऑनलाइन बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, कम से कम 16 बैचेस चल रहे हैं, 50-50 बच्चे उसके अंदर पढ़ रहे हैं, और ऑफलाइन है देहरादून में, बहुत बढ़िया हॉस्टल आ गया है। अभी मैं इस वीडियो के बाद अपनी जो डिजिटल मार्केटिंग टीम है उनको बोलूंगा हमारा जो नया हॉस्टल है उसकी फोटोग्राफ्स आपको दे, आप इन फोटोग्राफ्स को देखें और देखें कि किस प्रकार से कर रहे हैं, और मेरे साथ वो बच्चे संपर्क में, हम शाम को खेलते भी हैं, गप्पे भी मारते हैं, पूरा दिन हमारा जय हिंद वगैरह चलता रहता है। तो बच्चों को एक सेना के अधिकारी के साथ रह के जो अलग मोटिवेशन मिलता है वो भी मिलता है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप देहरादून के आसपास हैं, आपके बच्चे के हाफेले खत्म हो चुके हैं, आप 3 महीने के लिए अपना बच्चा मेरे हॉस्टल में लेके आ जाएं और हमें उसके साथ काम करना दें। ऑनलाइन आप 2 घंटे पढ़ाते हैं और 2 घंटे का आपको स्टडी मटेरियल देंगे, तो 4 घंटे एंगेज रखेंगे। हॉस्टल में जो बच्चा रह रहा है 6:00 बजे से लेकर 11:00 बजे तक इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अभी हम प्रेशर लगाते हैं उनके ऊपर, और बच्चे मजे से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ बच्चे बिल्कुल प्रेशर में, मेरा प्रेशर लगाने का, मैं वीडियो में आप पर प्रेशर नहीं लगा रहा। तो मैं ऐसे ही जीवन में बच्चों पर कितना प्रेशर लगाना है, कैसे उन्हें मोटिवेट रखना है, कैसे उनके साथ एक दोस्ताना व्यवहार करके उनको पढ़ाना है, मेरे से अच्छा इस समय इस फील्ड में आपको ऑफलाइन ऑनलाइन व्यक्ति नहीं मिलेगा। अपनी तारीफ कर रहा हूँ भाई, और ये तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले 4 साल से मैं और मेरी पूरी टीम इसी काम में लगे हैं, और अब हम आपको रिजल्ट अभी तक गारंटी नहीं देते, थोड़े दिन बाद हमारे रिजल्ट्स आपको अपने आप गारंटी के रूप में दिए जाएंगे कि भाई ये देख लो ये फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप सोचते हैं कि आपके बच्चे ने यहाँ रह के पढ़ने हॉस्टल, यस कॉस्टली पड़ेगा, ऑनलाइन थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन आप आएँ तो सही,
अगर आपके पास देहरादून में रहने की व्यवस्था है, आप केवल डे स्कॉलर के रूप में ज्वाइन करें। अगर आप देहरादून के पास रह रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप सैटरडे संडे को मेरे पास बच्चे को लेके आना चाहते, पक्का लेके आए, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, शहीदों के बच्चों से हम चार्ज नहीं करते हैं। हॉस्टल फीस तो पक्का लेंगे, लेकिन ट्यूशन फीस नहीं लेंगे। ऑनलाइन कोर्स में अगर शहीदों का शहीद परिवार से कोई बच्चा आता है, हम उससे कोई ट्यूशन फीस नहीं लेते। और 3 बच्चे हमारे निकल चुके हैं केवल फ्री वाले कोर्स करके। इस प्रकार के हमारी भी छोटी छोटी अचीवमेंट्स है, अपने दिल की सेटिस्फैक्शन बड़ा मिलता है। तो आप हमसे संपर्क करें, संपर्क करने पर आपने अपनी समस्या पूरी जो जानकारी है इस पर दे देनी है, और मेरे व्हाट्सएप की प्रतीक्षा करनी। इस पर जितने व्हाट्सएप आते हैं सबके जवाब मैं स्वयं देता हूँ। अगर आप डेटा मांगेंगे मेरी टीम दे देगी, लेकिन आपके जो शक सवाल हैं पक्का मैं लूँगा। अगर कई लोग सवाल पूछ रहे हैं तो इस प्रकार के वीडियो बनाऊंगा, ताकि समय रहते हम करेक्टिव एक्शन ले सकें। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद। It's not a game, it's a rage thing.